MyCarom is the specialized online store of the carom boards. If you are looking for carom board, stand, lamp shades, caromin, striker, powder, carom cover, carom pockets or any other carom accessories. MyCarom is the one-stop solution, 100% original and genuine products you will get on MyCaromicit website. If you have query or doubt, call 888-987-57038. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है अशरफ खान और आप देख रहे हैं स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल। आज की फिर एक प्रैक्टिस का वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज रात में 10 बजे लाइव स्ट्रीम मैं करने वाला हूँ। आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई लाइव आया करो, तो आज रात में 10 बजे लाइव आने वाला हूँ, तो 10 बजे मेरे साथ जुड़ जाना लाइव। अब ये एक स्ट्रोक देखो, यहाँ पे ब्लैक वाइट ब्लैक, मतलब ट्रिपल कनेक्शन, और ये देखो कितना बड़ा कनेक्शन बनाया। स्लो मोशन में देखना, 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहा हूँ, फुल एचडी है। स्लो मोशन आपको एकदम मक्खन के जैसे दिख रहे होंगे, ज़रा भी वीडियो ब्लर नहीं करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एचडी क्वालिटी में शूट कर रहा हूँ। इस बात पे लाइक कर देना इस वीडियो को। तो देखा आपने कि वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि वैसा चौकटी जो टच जो लग के आना चाहिए, ब्रेक में रहना चाहिए, अगर वैसा रहता है तो आइडियल ब्रेक रहता है, तो ये वही था, आइडियल ब्रेक था। खैर, इसमें बैड लक ऐसी हो गई, ये क्वीन पॉकेट पे आके रुक गई, और वरना ये स्लैम हो जाता। तो एक डबल टच देखो, एक सामने की फ्रेम की डबल टच और एक साइड के फ्रेम की सीजर ग्रिप से डबल टच। तो इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे कमाल के स्ट्रोक्स कटबैक देखने मिलने वाले हैं, और बहुत प्यारे प्यारे फिनिशिंग आपको इस वीडियो में देखने मिलने वाले हैं। तो अभी से दबा डालिए लाइक के बटन को, और डेली ला रहा हूँ ये वीडियो, आज शायद तीसरा या चौथा दिन है मैं कंसिस्टेंटली ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप लोगों को ऐसी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो कमेंट में मुझे बताओ, और एक्टिवनेस दिखाओ कमेंट में अपनी। अब ये एक स्ट्रोक बहुत ज़्यादा प्यारा है, थंबनेल इसी का मैंने बनाया है। अब देखो, वो थंब मारा हमने तो उससे कुछ तो काम नहीं था, लेकिन ये हम डबल टच भी मार सकते थे, लेकिन ऐसी कॉइन को अगर आप एंगल मारते हो तो चांसेस है कि साइड की जो जहाँ पे वाइट है ना, वो फ्रेम के साइड की कॉइन्स भी आप उससे रिलीज़ कर सकते हो। इसमें हुआ नहीं, ये जो स्ट्रोक मैंने मारा इसमें नहीं हुआ, लेकिन ऐसा स्ट्रोक अगर आप खेलेंगे, समझो वहाँ वो हमारी ब्लैक की जगह वाइट होती तो हो सकता था कि वो निकल कर आती। तो ऐसे एंगल स्ट्रोक को आप बम बना सकते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी लर्निंग है इस वीडियो में मैं आपको देना चाहता था। पोजीशन आया, मैंने अटेम्प्ट किया, एंगल तो पास हो गया, ये अटक गया था लास्ट में, इसको भी हमने थर्ड मार के पॉकेट किया। अब इसको स्लो मोशन में इंजॉय करो, देखो यार, मतलब जो क्वालिटी आपको देखने मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी हमने कर दी है, और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग जाता है, टाइम मतलब एडिटिंग में भी उतना टाइम, रेंडरिंग में उतना टाइम, प्लस स्टोरेज इसको बहुत ज़्यादा लगता है, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो चाहूँगा आपकी सपोर्ट की, मैं ये चाहूँगा कि आप ऐसे ही मतलब सपोर्ट बना के रखें। और इसमें ये स्ट्रोक देखना, ये स्ट्रोक यार, दो पॉकेट डो, एक स्ट्रेट डबल और एक डिफ्लेक्ट होके, मतलब ब्रशिंग होके ग्लांस बोल सकते हो, दूसरी पॉकेट में। तो स्लो मोशन में इसको इन्जॉय करो। नेक्स्ट, अभी ये इसके बाद इसको भी हम फिनिश मारेंगे, तो ये फिनिशिंग काफ़ी अच्छा था। मैं पोजीशन पे आज ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आज मतलब पोजीशन पे भी बात करेंगे हम लोग आगे आगे इस वीडियो में। अभी ये बेसिक फिनिश है, स्ट्रेट कॉइन्स का प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसके बाद अभी ये एक स्ट्रेट कॉइन मारी, उसके बाद दूसरी स्ट्रेट कॉइन मारी, उसके बाद देखो अभी कैसे हम लोग इसको ईजी करके मारेंगे। ये भी सीधी सीधी मारी, इससे भी कुछ नहीं करना है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो इसको एक स्ट्रेट कट खेलेंगे और दूसरी पॉकेट के करीब लाएंगे, नज़दीक लाएंगे और उसको इजी करेंगे। तो इस तरह से हम लोग खेल सकते हैं गेम, एक कॉइन मारते हुए दूसरी कॉइन इजी करना है, और ऐसे ये भी बहुत प्यारा सा फिनिश लग गया। अब इसके बाद वाले इसमें ये एक्चुअल में ये ब्लैक टू है, ये वाइट का पोजीशन मिस हुआ मेरे से, और ये ब्लैक का ओपन पोजीशन है। इतने ब्लैक टू आज मैंने मारे हैं ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। खैर, ये इतने ज़्यादा वैलिड ब्लैक टू नहीं कहूँगा मैं, वैलिड ब्लैक टू मतलब जो मैच में हम लोग मारते हैं, तो
तो इसमें समझो अपन अपने पास पोजीशन खींच रहे होते हैं और ज़्यादा खुली मिलती है, और ब्लैक टू के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पोजीशन ज़्यादा खुली खुली ही मिलती है। मतलब अगर सामने वाला एक दो कॉइन मिस करता है तो खुला कॉइन अगर आपको जाता है तो ब्लैक टू काफ़ी आसानी से मार सकते हो आप। एक्चुअल में रोज़े में थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है, बोलने में इतना मतलब पानी वगैरह गला सूखा हुआ है तो मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को बात करने में, मतलब जितना फ्लुएंसी से बात करता हूँ उतना नहीं हो पा रहा है, थोड़ा गले में थोड़ी खिचखिच है, और प्लस ऊपर से पानी भी नहीं पी सकता हूँ। आप पता है ना रमज़ान चल रहा है अभी, तो ये भी एक ब्लैक स्लैम है दोस्तों। अभी आपने देखा एक कनेक्शन मारा हमने, कनेक्शन मारने के बाद देखो अब इससे देखो अभी क्या किया है। ये क्वीन हमने आगे पुश करी, क्वीन आगे पुश करके जो थोड़ा पोजीशन किया हमने, और उसके बाद देखो ये एक प्रेस स्ट्रोक के बाद फिर से मैं स्लो मोशन में दिखाना चाहूँगा। मैं मतलब बहुत ईज मूवमेंट दिख रहा होगा आपको वीडियो में, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम 60 फ्रेम पर सेकेंड पे वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पहले 30 फ्रेम पर सेकेंड पे रिकॉर्ड करता था मैं। तो अब देखना इसको कैसे फिनिश करेंगे हम लोग। अभी इसको एक स्ट्रेट कट मारेंगे, इसमें स्ट्राइकर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। स्ट्राइकर प्लेसमेंट का मतलब ये है कि दूसरी ब्लैक कितनी दूर जाएगी वो एंगल आपको सही रखना है। अगर आपने उसको समझो थोड़ा रॉन्ग वगैरह रखे तो वो अटक सकती थी, नहीं निकल सकती थी, तो फोर्स उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए ये जो स्ट्राइकर का डिफ्लेक्शन है, स्ट्राइकर कितना आपका टर्न करेगा कॉइन को लगने के बाद में, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक ब्लैक का फिनिश है, बहुत प्यारा फिनिश है। अभी मैं बताऊंगा, देखो 3 कॉइन लाइन से दिख रही है आपको। अभी जो मैं पहले मारूंगा ऊपर वाली, सबसे पहले ऊपर वाली मारूंगा ताकि ये देखो ये साइड में रिलीज़ हो जाए, ये साइड में पॉकेट पे जो लॉक है वो मेरी पीस जाके रुकी थी वाइट कॉइन। तो ये भी एक ब्लैक टू नहीं, शायद ये लास्ट पीस मिस हुई, देखो कैसे मिस हुई। लेकिन अभी देखो अपन ऊपर वाली मारी, दूसरी मार के रिलीज़ करी, क्वीन मारी यहाँ पे, क्वीन मार के पुश किया, वो ज़्यादा ही आगे चली गई, और इजी कवर मारा। इजी कवर के बाद में ये दूसरा पॉकेट पे थी वो भी इजी मारी। अब देखो हमने क्या किया है, 3 कॉइन है टोटल, तो इसको क्रॉस कट मारा, क्रॉस कट मारा और पॉकेट से निकाला उसको, वाइट को पॉकेट पे, मरी हुई कॉइन को पॉकेट से उखाड़ा हमने, और पीछे वाली फिर उसकी वजह से इजीली मार ली हमने, और ये लास्ट कॉइन अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई। लेकिन ये काफ़ी सीखने जैसा बहुत कुछ था इसमें, इसलिए मैंने ये क्लिप आप लोगों के लिए डाली है। ब्रेक ये देखते हैं, ये भी ब्रेक काफ़ी अच्छा ब्रेक हुआ है। अब इस ब्रेक में भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इस ब्रेक में मैं देना चाहूँगा। पोजीशन जो आ रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस में आपको लर्निंग भर भर के मिलने वाली है। तो इसमें देखो ये स्ट्रेट कॉइन जा रहे हैं लेकिन मारने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमने पहले बम मार दिया। बम मारा तो क्वीन हमें एकदम सीधी निकल के आई, क्वीन सीधी निकल के आई तो क्वीन मारी। क्वीन मारने के बाद में देखो अब कवर, कवर में बहुत बड़ी लर्निंग है। अब ये कॉइन आपको क्या लगता है, जा रही है सीधी, इसको बोलते हैं फोर स्ट्रोक। देखो आपको वाइट पॉकेट पे लगानी है, सीधी पॉकेट पे लगानी है, और स्ट्राइकर आपको नीचे वाली फ्रेम में मारना है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको थोड़ा पीछे लो और देखो समझ जाएगा। फिर सीधी मारी हमने, सीधी मारी तो उसके बाद ये इसको स्ट्रेट कट मारा, स्ट्रेट कट मार के अब इस अभी जो गलती की मैंने वो ये थी कि मैंने ये वाइट को मारते हुए स्ट्राइकर यहाँ पे लाने की कोशिश किया, उस वजह से वो नहीं गई। मैं सोचा वो अगर आ गई तो मैं इसको काफ़ी आसानी से प्रेस मार लूँगा, उसके लिए मुझे थोड़ा अलग फोर्स, एक्स्ट्रा अलग फोर्स लगाना पड़ता, मतलब स्लो फास्ट में कन्फ्यूजन रहता है वैसे पोजिशन में। तो मैंने सोचा चलो स्ट्राइकर आ गया तो वो प्रेस लग जाएगा, प्रेस अगर लगा तो फिर इजी हो जाएगा। तो लेकिन वो स्ट्राइकर आने में वो पॉइंट को, जो पॉइंट पे लगना था वहाँ पे लगा नहीं है। ब्रेक अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा ब्रेक है। इस ब्रेक में मैं इसमें भी आपको बहुत कुछ लर्निंग देने वाला हूँ। तो देखो अभी ये थंब इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि सेंटर में दो वाइट दिख रही होगी आपको, जो मेरे मेरे पास ही में है, नज़दीक ही है, लेकिन वो सीधी मारने में दिक्कत हो रही है। तो इससे हम कट मारेंगे, और इससे ये देखो इजी करा हमने, इजी किया तो एक बम आया, एक सीधी जो फ्रेम को चिटकी है, लेकिन वो चिटकी नहीं है, गैप है फ्रेम और वाइट के बीच में, तो वो काफ़ी आसान हो गई। तो दोनों ही रिलीज़ हो गई और एक बम भी आ गया, तो ये बहुत अच्छा हुआ। और कट मारने के बाद में जब बम बन गया तो फिर बम का इस्तेमाल हम कुछ कर पाएंगे आगे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। इसको सीधी मारी, सीधा ही मार लेंगे कि सीधा जा रहा है, बस इस ये मारते टाइम ध्यान ये रखना है कि स्ट्राइकर आपको फ्रेम फ्रेम में मारना है। फ्रेम ऐसी कॉइन को मारने के लिए आपको डायरेक्ट कॉइन पे नहीं मारना होता, स्ट्राइकर फ्रेम में मारना होता है।
अब ये कॉइन जो बम आया था इसको पॉकेट पे लगाएंगे, पॉकेट पे लगा के खींचने की कोशिश करेंगे पूरी पोजीशन अपने हाथ में, जो तीन बीच में अटकी हुई दिख रही है। तो एक्चुअल में जो स्ट्राइकर खींचने के लिए जितना जाना चाहिए था उतना जा ही नहीं रहा था वो पोजीशन से, तो ये पोजीशन पूरी फंसी हुई पोजीशन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्वीन और सेंटर में पीस अटकी हुई और वो भी कॉइन जाके फ्रेम में छिटक गई है, पूरी छिटक गई है। तो उसको मारने के लिए मैंने आपको बताया शेडो टेक्निक का इस्तेमाल करना है, वो उस पर मारा। और उस पर मारने के बाद अब ये जो पोजीशन है ना ये बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इतना आसान रहेगा नहीं, क्वीन मारने के लिए जगह नहीं। तो अभी अभी हम क्या करेंगे, ये ब्लैक को रोल करेंगे, देखो कैसे स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा मैं आपको। ब्लैक को रोल किया, क्वीन मारी, फिर से स्लो मोशन में देखते हैं, सुपर स्लो मोशन। ब्लैक क्वीन के बाजू से निकालेंगे, ब्लैक क्वीन के बराबर बाजू से निकालेंगे और फिर क्वीन पे जहाँ पे हमें स्ट्राइकर मारना है वहाँ पे मारेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वीन को नहीं पहुँच सकते थे हम। तो ब्लैक को हमने प्रेस किया और प्रेस करने के बाद में हमने वो क्वीन पॉकेट करी और इस तरह से हम उसको पॉकेट कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल भी बनाया था, भिंगरी स्ट्रोक रोलिंग ऑफ द कैरेमैन, ऐसा एक ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाया था कि स्ट्रोक को कैसे मारना है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये कवर कर लिया। और एक लास्ट कॉइन है जो जानी जैसी है, देखते हैं अभी। तो ये लास्ट कॉइन मेरी बहुत बैड मिस हुई, मैं थोड़ा सा घाई किया, मेरी कुछ तो नज़र में आ गया वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे देखा भी फ़ौरन कि उस वजह से मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं। तो अभी इसमें एक कट और ओपन किया हमने। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।